सिस्टम हैंग हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, ट्रॉफी अपनी यूट्यूब में ही आया है भाई, वही प्राउड मोमेंट है यूट्यूब वालों का। रात के 9-10 हो चुके हैं और भाई मैं अभी मैच चल रहा है, इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है, T20 यही है डिसाइडर मैच फिलहाल। अभी दुकान बढ़ा रहे हो गया पूरा बस, और अभी कहीं जा रहे हैं तो मैं ब्लॉग बना लेते, स्टार्ट कर लेते, क्या दिक्कत है। तो चलते हैं सीधा, पापा बाहर है तो मैं दुकान क्लोज कर देता, क्लोज करके मैं आपसे मिलता हूँ, आप तब तक मैच देखिए। यार ग्रोसरी का सामान भी देख लेना बहुत खतर, समझ रहे हो, हड़बड़ी हो जाती है पता नहीं क्यों। एक मीठी दही भी लेनी है, अरे गिरना जा गिर गया। ये कितना 75 का है, इसका डेट है भाई। और चलो ये है, ये सब अभी पड़ा हुआ है, ये सब तो ये नहीं लेना, जो लेना था ले लिया। अब देख आगे जाकर आगे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, ये भी तो है अभी यार, यहाँ से कुछ नहीं चाहिए और बस हो गया, जो लेना था हो गया। ये लेना था गुड़, ले लिया, अब चलते हैं। तो गैस ग्रोसरी वहाँ पे हाफ ले लिया और हाफ यहाँ पे लेंगे, उत्तम स्वीट साइड में जो यहाँ पे भी जाएंगे उत्तम में भी घुसेंगे। तो यहाँ जाते कुछ लेते सामान, फिर उसके बाद घर चलेंगे सीधा भाई। अभी बज गया समथिंग 10 बज गए हैं, तो अभी चलते अंदर देखते हैं। ये ना मलाई भोग लेना था, तो गाइस ले लिया, अभी पेट्रोल भरवाएंगे उसके बाद जाएंगे सीधा घर। 10-15 हो गया टाइम, अभी चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप, वहाँ पे पेट्रोल भराएंगे फिर चलेंगे घर सीधा भाई। रात के टाइम कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है भाई, ये तो तेल लगा, तेल एकदम ख़त्म हो गया। अगर ये हालत में अगर भी नहीं पहुँच पाते मेरे को लग रहा है, तो भाई लाइन लगी है बहुत लंबी वाली, तो भाई साहब लगेगा थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो ये भरते हैं फिर चलते सीधा घर, और ये सब ले लिया, ये सामान और हाफ सामान डिक्की में भी है। तो गाइस जैसे कि यहाँ जब हम आए ना आज ग्रोसरी लेने यहाँ पे, मेरा प्लान था मम्मी के साथ आने का प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि आज प्रैक्टिस भी थी, तो प्रैक्टिस के बाद प्लान था मम्मी और मैं आएंगे। बट अचानक से जब हमारी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होने के बाद हम जब मिलकर स्ट्रेचिंग मार रहे थे, तो अचानक से बहुत तेज बारिश आ गई भाई, क्या भाग भाग के आए भाई हम तो। मैं तो चलो स्कूटी लेके गया था, तो हमें आ गया था घर पे, तो उस बारिश की वजह से मम्मी का फिर मूड बदल गया कि मेरा आज मन नहीं है जाने का। तो हमने भी सोचा कि मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा, तो इसलिए मैं दुकान बंद करने के बाद पापा को लेके आ गया था। मैं लाइन में लगे हैं पापा, ये देखो ओ रे ये वाले, तो भाई कुछ ज़्यादा भीड़ है रात को, पैसे लेने के लिए बुला रहे हैं, मेरे पास ये पैसे हैं, तो फिर इसको पापा को दे के आ जाते हैं पैसे फटाफट। तो हेलो गाइस, तो आज इस ब्लॉग का दूसरा दिन, और अभी बजे हैं 3 बज गए हैं दोपहर के 3, सब रूटीन उल्टा पुल्टा हो गया। वो उस दिन कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया रात से, अब मैं कर रहा हूँ दोपहर से, सब रूटीन उल्टा पुल्टा हो। तो जैसे कि मूवी आई है गदर 2, तो वो हम देख जाने का प्लान है, देखते हैं, प्लान है तो जाएंगे ज़रूर, अब देखते हैं, कुछ पक्का नहीं अभी,
तो प्लान बना है बहुत दिन बाद एक मूवी देखने का प्लान बना है। लास्ट मूवी देखी थी पठान, देखी थी लास्ट मूवी, आप वो ब्लॉग भी आप सबने देखा होगा। नहीं तो भाई अभी हमारा प्लान है यहाँ से निकलने 5 बजे। तो हमारा शो हमने ऑनलाइन तो बुकिंग की नहीं है, टाइमिंग देखा था तो 6:20 पे हमारी मतलब ठीक ठाक होगी। मैं बैठा हूँ कल्ला और मैं एक वीडियो देख रहा था भाई, बहुत अच्छी वीडियो मेरे को लगी। मतलब मैं आपको गाना नहीं सुना सकता वीडियो में है क्या, बट मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, बहुत अच्छी वीडियो। मतलब मैं आपसे रिलेट कर रहा हूँ ये वीडियो में, आप भी देखो। ये देखो, गाना नहीं सुनाऊंगा, गाना हेडफोन में चल रहा है भाई। टोयोटा फॉर्चुनर ये लिया खुद की अर्निंग से भाई। तो भाई ये बंदे को मैं मतलब जानता हूँ, मतलब इसने जो किया ट्रेडिंग से किया भाई, बहुत अच्छे किया है। और इसने मेरी जो ड्रीम का फॉर्चुनर वो इसने लिया है भाई, मेरा भी ड्रीम है, मैं लूँगा फॉर्चुनर भाई। पता है उसका रेट हाई फाई है बट लेने का तो है। आपकी कौन सी ड्रीम कार है मेरे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस अभी मैं वेट और मैं आपको सीधा जाके मिलूँगा मॉल में, मैं आपको सीधा मॉल जाके मिलूँगा। तो गाइस अभी बज गए हैं 5:30, मैं हो गया रेडी। पापा मम्मी ऑलरेडी चले गए हूँ और मैं आऊँगा बाइक से। रैपिडो मैंने बुक किया तो मैं रैपिडो से आऊँगा, उसमें कुछ लग 20-30 रुपये रैपिडो वाला ले रहा, तो चलते सीधा। और रैपिडो बस आने वाली है, मैंने जस्ट देखा था उसको 2 मिनट, तो चलते हैं सीधा। और ये घड़ी आज बहुत दिन बाद ये घड़ी पहनी है, फिर भी ये घड़ी ऐसी पहन ली है, ये तो मतलब कुछ ऑन है नहीं भाई घड़ी। मैंने बस थोड़ा हीरो बनने के चक्कर में मैंने बस पहन लिया घड़ी। तो मैं आईने में अपने आपको देख लूँ, हीरो लग रहा हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठास। तो ये है आज का आउटफिट, आज कुछ नहीं है, शर्ट जीन्स नाइकी के 4th copy बूट नाइकी के। तो ये हमारा आउटफिट आज का, चलते हैं सीधा मॉल, फिर मॉल जाकर मैं आपसे बात करूंगा भाई। जल्दी चलो, आने वाला है कैब। अरे हमें लगाना, ताला भी लगाना पड़ेगा। ये मेरी किट है, मेरे इतने सारे बैट भी हैं। अगर आपको मेरी किट के ऊपर पूरा रिव्यू वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना कि मेरी किट में है क्या क्या चीज़, मेरे पास कितने बैट है, कितने जोड़ी ग्लव्स है, कितने विकेट कीपिंग ग्लव्स है, सब आपको बता दूंगा। एक अलग से उसके लिए वीडियो आएगी, तो स्टे ट्यून। तो अभी करते हैं, अभी चलते हैं मॉल सीधा। पंखा बंद, सब बंद है। ओके बाय, मिलता है मॉल जाके आपको। आसो हाय ब्रो, चलो आ गया मॉल। तो गाइस हो गया इंटरवल, हो गया है और हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं। देश भगत यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन पंजाब टू हैव बोथ ट्रैकी एंड नैक एक्रेडिटेशन बाय यूजीसी, आल्सो हैव अ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट कोर्सेस। गाइज आज इस ब्लॉग का 3rd दिन भाई, हरब जोशी होता ना मेरी जगह, ये इसी ब्लॉग 3 पार्ट आ जाते, 3 दिन ब्लॉग चल जाता है उसका। बट मेरा 3 दिन का ब्लॉग मतलब एक वीडियो बन जाता। तो भाई अभी बजे हैं 10:30 और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको इंडिपेंडेंस डे भाई। मूवी देखने के बाद मैं सीधा जियो सिनेमा खोल के बैठ गया।
कौन बिग बॉस जीतेगा, क्योंकि दोनों माय फेवरेट, दोनों फेवरेट है भाई। उनको मैं स्टार्टिंग से उनको फॉलो करता आ रहा हूँ, एलविस यादव को भी, खुकरा इंसान को भी, दोनों को मैं देखता हूँ अच्छे से उनकी वीडियो में। दोनों मेरे फेवरेट थे। मैं मेरे घर में 4 फोन है, ठीक है, 2 फोन से मैंने खुकरा इंसान को वोट कर दिया और 2 फोन से एलविस यादव को वोट कर दिया। तो भाई ऐसे ऐसे सपोर्ट करना पड़ता है, एंड में जाके एलविस यादव ही जीत गया, सिस्टम हैंग हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, ट्रॉफी अपनी यूट्यूब में ही आया है भाई, वही प्राउड मोमेंट है यूट्यूब वालों का। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, मैं इसलिए इस ब्लॉग को करूँ ये एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल में तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।